गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सेकेंड सेमेस्टर. स्टूडेंट्स, आई एम योर ईवीएस टीचर. ओके, टूडे वी विल रीड तमरिन ट्री, बुक टू, सेमेस्टर टू, चैप्टर वन ऑफ ईवीएस, प्लांट्स अराउंड अस. ओके, प्लांट्स अराउंड अस का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमारे जो आसपास के प्लांट्स हैं उनके बारे में. अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सबके घर में प्लांट्स हैं? ऑब्वियसली बात है, सबके घर में प्लांट्स होंगे. सब अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं. किसी ने गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा, और किसी ने पोर्ट में लगाए हुए हैं ना. ये देखो, मेरे पास भी एक प्लांट है, मैंने भी लगाया है. ये देखो, मैंने एक गमला लिया हुआ है, गमले में पोर्ट में मिट्टी डाली है और मिट्टी में प्लांट लगाया हुआ है. और ये कौन सा प्लांट है? ये है तुलसी का प्लांट. ओके, ये सबके घरों में होता है बेटा, ठीक है. और जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं, हरे भरे होते हैं, ग्रीन कलर के, और बड़े प्यारे लगते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे फ्लावर भी लगते हैं, और फ्लावर जब कलरफुल फ्लावर लगते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और पूरा घर सुंदर लगता है प्लांट्स के साथ, लगता है ना. ओके, आज हम इसी चैप्टर को रीड करेंगे. यस, पेज नंबर आपका है 147. ओके, वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस. ये तो आपको पता ही है, आप अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के होते हैं, एंड साइजेस. सम ग्रो ऑन लैंड, कुछ लैंड पर लगते हैं, और सम ग्रो इन वाटर, कईयों को पानी में लगते हैं. कुछ पानी, किसी प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो पानी में ग्रो करता है. सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर लगते हैं, और एंड सम बियर फ्रूट्स, और कुछ पर फ्रूट्स लगते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. पार्ट्स के, अब इसके हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स जो अलग अलग फंक्शन करते हैं. सबसे पहली बात यह है, देखो बेटा, द पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नीचे का हिस्सा जो है, मिट्टी के नीचे का, वो है रूट सिस्टम, और उससे ऊपर वाला शूट सिस्टम. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये देखो, ये जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है इसको हमने रूट सिस्टम बना दिया, और जो मिट्टी के ऊपर जो ग्रीन पार्ट लगा हुआ है इसको हमने शूट सिस्टम बना दिया. ठीक है, ये शूट सिस्टम के अंडर आएंगे. ओके, यस, द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड फॉर्म द रूट सिस्टम. क्लियर हो गया? जो मिट्टी के नीचे का पार्ट है वो रूट सिस्टम है, एंड द प्लांट अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम. ऊपर का पार्ट है वो शूट सिस्टम है. दिख रहा है आपको? ये देखो, ऊपर का ग्रीन पार्ट है ये शूट सिस्टम है, और जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट है वो रूट सिस्टम है. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड. क्लियर हो गया? जो रूट्स होती है, देखो, जमीन के अंदर होती है ना, जो प्लांट्स को पकड़ के रखती है. एंड इट होल्ड्स अ प्लांट इन द ग्राउंड एंड कीप्स इट अपराइट. देखो, इसने पकड़ के रखा है ना, और प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा है. वरना अपने आप प्लांट्स कैसे खड़ा हो सकता है, आप बताओ? प्लांट्स कैसे सीधा खड़ा हो सकता है? कैसे खड़ा हो सकता है प्लांट्स? आपको पता है ना सीधा कैसे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूट्स जो है उसको नीचे रखती है. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड. इट होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड एंड कीप इट अपराइट. रूट टेक वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल. ये देखो, जो रूट्स है ना, ये पानी जो ये है सॉइल, मिट्टी में से ही अपना फूड लेती हैं और पानी लेती हैं. सम रूट्स आर ऑल्सो स्टोर फूड, अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं फूड को. ठीक है, एंड कैरेट इज अ रूट डैट वी ईट. आपको पता है ना कैरेट क्या है? एक रूट है जो हम खाते हैं. नाउ द शूट सिस्टम इज अ प्लांट ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम. इसमें देखो, स्टेम आती है, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन पार्ट जो है स्टेम है, और ये लीव्स है, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे आते हैं वो फ्लावर होते हैं. ओके स्टूडेंट, शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. स्टेम ऑफ प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड. ये मिट्टी से ऊपर ग्रो करते हैं. इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट. ये अपना पानी कहां से लेते हैं? ये देखो, मैंने पानी डाला है ना, अब ये रूट्स जो है, ये देखो स्टेम है, ये अपने आप ही मिट्टी में से पानी ले रही है ना, ये तभी तो ग्रो करता है, वरना ऊपर पानी कौन डालता है? मिट्टी में डालते हैं ना हम पानी. यस, द स्टेम बियर्स, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द लीव. द स्टेम बियर लीव्स एंड फ्रूट. पता लग गया ना, स्टेम में क्या क्या लगता है? लीव्स और फ्रूट. सम स्टेम ऑल्सो स्टोर फूड. कुछ फूड भी स्टोर कर रखते हैं, जैसे कि पोटैटो इज अ स्टेम. पोटैटो जो है वो स्टेम का पार्ट है, और कैरेट रूट का पार्ट है. लीव्स आर मोस्टली ग्रीन कलर की होती है ना. डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज. ये तो आपको पता ही है, लीफ ऑफ अ मैंगो ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लीफ ऑफ अ पाम ट्री. अब जो मैंगो ट्री की लीव्स हैं वो पाम ट्री से अलग होगी. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. पता है ना आपको कि लीव्स जो खाना बनाती है प्लांट के लिए. सम लीव ऑल्सो स्टोर फूड. सम लीव्स क्या करती है? फूड को स्टोर रख के रखती है. स्पिनच इज अ लीफ. स्पिनच पता है ना आपको, साग होता है या पालक होता है, वो पत्तों का होता है, उसको लीफ के अंदर रखते हैं.
सम प्लांट्स बियर फ्लावर, कुछ प्लांट्स में देखो फ्लावर भी लगते हैं, एंड फ्लावर्स आर कलरफुल पार्ट, ये तो आपको पता ही है. ओके, दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट, आपको पता है उसमें फ्रूट्स भी, कुछ प्लांट्स में सीड्स होते हैं, फूड होते हैं, फ्रूट होते हैं, एंड सम प्लांट्स ऑल्सो स्टोर फूड, ये तो आपको पहले भी हमने बताया. कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर डेट वी ईट, ठीक है, फ्लावर का एक टाइप कौन सा है, कॉलीफ्लावर, कौन सा है, कॉलीफ्लावर. सम प्लांट वियर फ्रूट, ये देखो कुछ प्लांट फ्रूट भी लगते हैं कुछ प्लांट पे. वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ग्रेप्स एंड पियर्स. क्लियर स्टूडेंट्स, फ्रूट्स यूजली कंटेन सीड्स, बीज भी होते हैं, एंड सीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सीड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, एंड वी ईट डिफरेंट सम सीड लाइक पीस, हम सीड्स का एक एग्जाम्पल क्या है, पीस, पीस पता है आपको, मटर, मटर पता है ना, मटर के जो दाने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीड्स, वो सीड्स के अंडर आते हैं, तो हम वो पार्ट खाते हैं. आपको यहां तक क्लियर है बेटा, अब यहां तक हम पढ़ेंगे, आपने घर पे रीड करना है, और कल हम जूम क्लास में इस पार्ट तक यहां तक डिस्कस करेंगे. ओके, अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा यू कैन आस्क मी इन द जूम क्लास. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों पेजेस, पेज नंबर 147 एंड 148 रीड करना है. ओके, उसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, एंड दिस इज योर वर्क. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.